दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जून 2021, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है, जहां इस दौरान अभी तक 3 बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाया गया है। जहां खबर के मुताबिक वर्तमान समय में 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया जा रहा है, लेकिन आज से पटना एम्स में 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया है। आपको बता दें कि आज पटना एम्स में 3 बच्चों का आरटीपीसीआर एंटीबॉडी प्रशिक्षण और सामान्य जांच की सभी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वैक्सीन का ट्रायल किया गया। यह 28 दिन के बाद अब इन्हें दूसरा डोज दिया जाएगा। यह इसके बाद जांच की जाएगी। यह मिली जानकारी के अनुसार बच्चों को वैक्सीन ट्रायल के लिए 2 से 5 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18 साल के आयु वर्ग में बांटा गया है। यह ट्रायल के लिए करीब 100 बच्चों को शामिल किया जाएगा। दोस्तों बिहार में पंचायत जनप्रतिनिधियों को सरकार के द्वारा सैलरी के तौर पर मानदेय दिया जाता है, शायद ये आपको मालूम भी होगा, लेकिन बिहार में रहने वाले ज्यादातर लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं होती है। आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में मुखिया, सरपंच, वार्ड की वर्तमान सैलरी कितनी है। यह पंचायती राज विभाग द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक मानदेय के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में मुखिया, उपमुखिया और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 49,55,00,000 की मंजूरी दी गई थी। यह जबकि सरपंच, उप सरपंच और ग्राम कचहरी सदस्यों के लिए भी 49,55,00,000 रुपए की स्वीकृति किए गए थे। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मुखिया को प्रति माह 2,500 रुपए सैलरी दिया जाता है, यह जबकि उप मुखिया को 1,200 रुपए, सरपंच को 2,500 रुपए, उप सरपंच को 1,200 रुपए मानदेय के रूप में दिया जाता है। यह वही बिहार में जिला परिषद सदस्य को 2,500 रुपए का मानदेय दिया जाता है, जबकि पंचायत समिति सदस्य को 1,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलता है। यह ग्राम पंचायत सदस्य को 500 रुपए, ग्राम कचहरी सदस्य को भी 500 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। दोस्तों एलोपैथी को लेकर विवादित बयान देने वाले योग गुरु बाबा रामदेव की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाबा रामदेव पहले ही आईएमए के निशाने पर है, जी हां, और अब बिहार के मुजफ्फरपुर न्यायालय में बाबा रामदेव के खिलाफ परिवारवाद दायर किया गया है। यह परिवारवाद सत्र में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने कोरोना से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान का मजाक उड़ाया है। यह साथ ही साथ लोगों में जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर भ्रम की स्थिति है उसको बढ़ाने का काम किया है। यह इस में बाबा रामदेव के खिलाफ कोर्ट में परिवारवाद दायर किया गया है। यह मुजफ्फरपुर जिले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में परिवारवाद पत्र दायर किया गया है। परिवारवाद पत्र में पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक बाबा रामदेव पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 21 मई को अलग अलग न्यूज चैनल पर एलोपैथी को लेकर न केवल आपत्तिजनक टिप्पणी की बल्कि इसे स्टूपिड टक करार दे दिया। यह बाबा रामदेव ने कोरोना से लोगों की मौत का भी माहौल उड़ाया। यह योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ अलग अलग धाराओं में परिवारवाद दायर किया गया है। उनके ऊपर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराएं भी लगाई गई है। दोस्तों बिहार कोरोना के चंगुल से निकलता दिख रहा है। जहां कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, अप्रैल और मई महीने में जहां कोरोना की रफ्तार काफी तेज थी वह अब घटकर करीब 10% हो गई है। यह यूं कहें कि संक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से गिर रही है। यह पारस अस्पताल प्रबंधक ने इस मुकाम के लिए सरकार का आभार जताया और कोरोना मरीज के इलाज में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। यह पारस अस्पताल प्रबंधक ने सरकारी अधिकारियों को भी इनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया। पारस हॉस्पिटल के रीजनल डायरेक्टर तलक हलीम ने बताया है कि सरकारी तंत्र, सरकारी अधिकारियों और निजी क्षेत्र के अस्पतालों के सहयोग से बिहार कोविड से उबर रहा है। यह ब्लैक फंगस के मरीज के इलाज में भी सरकार और अधिकारियों का पूरा सहयोग मिल रहा है।
दोस्तों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार ट्विटर पर रहती है। यह बिहार की राजनीति के साथ साथ समस्याओं को लेकर वह इन दिनों लगातार ट्वीट भी कर रही है। जब बुधवार को एक ट्वीट से उन्होंने सरकार पर फिर से हमला बोला और राज्य नहीं संभलने की बात कह डाली। दरअसल बुधवार को किए गए ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि दिल पर हाथ रखकर पूछिए सरकार, क्या आप इस कुर्सी के काबिल हो? जब राज्य नहीं संभल रहा है तो फिर अपनी अंतरात्मा को जगाकर अपनी कुर्सी को क्यों नहीं छोड़ देते जनाब। इसके पहले भी रोहिणी आचार्य ने बुधवार को ही कई ट्वीट किए हैं। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने एम्बुलेंस घोटाले की बात कहकर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि एम्बुलेंस घोटाले पर भी कुछ तो बोलिए, या फिर गर्दन का नस ज्यादा दबा दिया है क्या कोई, या घोटालेबाजों से कमीशन की खातिर मोनी बाबा बना हुआ है। दोस्तों बिहार की सियासत में जो चर्चा गर्म है, क्या उसकी शुरुआत हो चुकी है? यह चर्चा गर्म है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, आज इसकी झलक भी मिल गई। यह बीजेपी के एक एमएलसी ने नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दिया, इसके बाद भड़के जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से सीधा सवाल पूछ डाला। यह उन्होंने कहा कि अगर जेडीयू के किसी नेता ने यह बयान दिया होता तो क्या होता। जेडीयू और बीजेपी में ताजा घमासान एमएलसी टुन्ना पांडे जी के बयान के बाद शुरू हुआ। यह बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे जी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। टुन्ना जी पांडे ने कहा है कि जनता ने तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनकर राज कर रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी के एमएलसी के बयान के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भड़क गए। ट्विटर पर उन्होंने भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल से सीधा सवाल पूछ डाला। उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि यह बयान आप तक भी पहुंच ही रहा होगा। संजय जायसवाल जी, ऐसा बयान अगर किसी जेडीयू के नेता ने भाजपा या फिर उसके किसी नेता के बारे में दिया होता तो अब तक क्या हो जाता। जी हाँ, आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने बगैर कुछ कहे सब कुछ कह डाला। इशारों में ही कह गए हैं कि बीजेपी नेतृत्व की सहमति से ही ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं। अगर ऐसी बात जदयू के किसी नेता ने कही होती तो उनके खिलाफ बीजेपी ने हंगामा खड़ा कर दिया होता। आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा पहले भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से भिड़ चुके हैं। जदयू में एंट्री के बाद उन्होंने दो दफे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद जब संजय जायसवाल ने नाइट कर्फ्यू पर सवाल खड़े करते हुए लॉकडाउन की मांग की थी तो उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें राजनीति नहीं करने की नसीहत दी थी। इसके बाद जब बिहार में लॉकडाउन का ऐलान किया गया तो संजय जायसवाल ने उपेंद्र कुशवाहा को जवाब दिया था। वैसे भी सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि बीजेपी और जदयू के बीच रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं। आलम यह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के किसी सीनियर नेता से भी बात नहीं कर रहे हैं, जबकि बिहार बीजेपी के सारे फैसले दिल्ली से ही लिए जा रहे हैं। वही नीतीश कुमार सरकारी बैठकों में बिहार में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम और दूसरे मंत्रियों से औपचारिक बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई बात नहीं हो रही है। दोस्तों बिहार में ग्रामीण सड़कों की मरम्मत में ठेकेदारों की भूमिका अब घटेगी। जी हां, ग्रामीण कार्य विभाग अब सड़कों की मरम्मत खुद कराएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग अपनी सड़कों का रखरखाव विभाग के माध्यम से ही कराएं। जी हां, इससे खर्च में भी कमी आएगी और कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगा। जी हां, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने ये बात कही है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सड़कों के बेहतर निर्माण के साथ साथ उसका ठीक ढंग से रख रखाव हम लोग का उद्देश्य है, इसलिए सड़कों के मेंटेनेंस पॉलिसी को शिकायत निवारण अधिनियम के दायरे में लाया गया है। यह विभागीय स्तर पर चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक निरीक्षण के काम को पूरे मनोयोग से करे। जिन पथों को 5 वर्षीय रख रखाव की जिम्मेवारी संवेदकों को दी गई है उनकी भी सतत निगरानी करते रहे। यह इंजीनियर से लेकर वरिष्ठ अधिकारी फील्ड विजिट करते रहे ताकि सड़कों के रख रखाव को लेकर किसी तरीके की लापरवाही नहीं हो। दोस्तों बिहार में पैसेंजर ट्रेनों से सफर करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। मेरी जानकारी के मुताबिक बिहार में 3 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, जिससे यहां के लोगों में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है। जी हां, तथा लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि 7:35 पर समस्तीपुर सहरसा सवारी गाड़ी का परिचालन सोमवार से शुरू किया गया है। यात्रीगण टिकट लेकर यात्रा करें। उसके बाद 6:10 पर रवाना होने वाली समस्तीपुर सहरसा सवारी गाड़ी का परिचालन पहले से ही किया जा रहा था। 4 बजे
दें कि समस्तीपुर सहरसा सवारी गाड़ी का परिचालन सोमवार से ही शुरू हो गया है। यात्रीगण टिकट लेकर यात्रा करें। यह रात में 10:55 पर रवाना होने वाली समस्तीपुर सहरसा सवारी गाड़ी का परिचालन भी शुरू किया गया है। ये गाड़ियां पहले बंद थी लेकिन अब इसको शुरू कर दिया गया है, जिससे अब आम लोगों को सहूलियत मिलेगी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह राजनीति में आने के साथ ही विधायक निर्वाचित होकर अनुकरणीय काम में जुट गई है। यह मंगलवार को जमुई की भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह कोरोना काल में एक बार फिर से मानवता का परिचय दिया है। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में श्रेयसी सिंह शामिल होते हुए ब्लड डोनेट किया है। यह भाजपा MLA श्रेयसी सिंह ने जमुई सदर अस्पताल में के ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। दोस्तों, आधार कार्ड आज के समय में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सभी सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में कई कार्यों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड पर लगी फोटो से खुश नहीं रहते हैं। यह कई बार तो लोगों का मजाक भी उड़ जाता है आधार कार्ड की फोटो की वजह से। अगर आप भी उनमें से हैं जो आधार कार्ड में लगी फोटो से खुश नहीं है और उसे बदलवाने की सोच रहे हैं, तो फिर आपको बता दें कि आप आसानी से ये फोटो बदल सकते हैं। जी, आप ये आसानी से बदल सकते हैं। UIDAI आधार कार्ड धारकों को आधार कार्ड पर लगी अपनी फोटो को अपडेट कराने की अनुमति देता है। यहां हम आपको आधार कार्ड के अच्छी फोटो लगवाने का आसान तरीका बता रहे हैं। यह कार्ड धारक अपने निकटतम आधार नामांकन केंद्र जाकर ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप आधार कार्ड में अपने फोटो कैसे बदल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट UIDAI.gov.in पर लॉग इन करना होगा और आधार नामांकन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस आधार नामांकन फॉर्म को भरकर इसे निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर जमा करना होगा। जी, अब आधार नामांकन केंद्र पर कर्मचारी आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स लेगा। अब आधार नामांकन केंद्र का कर्मचारी आपका फोटो लेगा। जी, अब आधार नामांकन केंद्र का कर्मचारी शुल्क के रूप में ₹25 प्लस GST लेकर आपके आधार कार्ड में फोटो अपडेट कर देगा। जी, आधार नामांकन केंद्र का कर्मचारी आपको URN के साथ एक क्लिप भी देगा। जी, आप इस URN का उपयोग करके ये चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड फोटो बदला है या नहीं। आधार कार्ड फोटो के अपडेट होने के बाद नए फोटो के साथ एक अपडेट आधार कार्ड को UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। जी हां, आप इसी तरीके से अपने आधार कार्ड में पुराने फोटो को बदलकर नए फोटो अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, देश भर में फैले कोरोना के बीच बैंकों ने अपने काम करने के घंटे कम कर दिए हैं। यह लेकिन 1 जून से राज्य में लागू पाबंदियों में ढील देने की शुरुआत हो गई है। यह इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI ने अपने काम करने के घंटों को बढ़ा दिया है। यह अगर आपको भी आने वाले दिनों में बैंक जाना है तो फिर ये आपके लिए जरूरी खबर है। यह बैंक में पहले सिर्फ 4 घंटे कामकाज हो रहा था, जिसको अब बढ़ाकर 6 घंटे करने का ऐलान किया है। यह आपको बता दूं कि 1 जून से देश के सरकारी बैंक SBI में 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कामकाज होगा। अगर आप भी SBI ग्राहक हैं तो फिर बैंकिंग काम के लिए 4 बजे तक ब्रांच जा सकते हैं। जी हां, देश में अब कोरोना की स्थिति में सुधार आ रहा है, जिसके चलते बैंक ने काम करने के घंटे को बढ़ाने का फैसला किया है। जी हां, बैंक का समय 1 जून 2021 से बदल दिया गया है। SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के समय TMC छोड़कर BJP में शामिल होने वाले नेताओं की होर मच गई थी। यह लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हैट्रिक जीत के बाद इसमें से कई घर वापसी को बेकरार है। यह इनमें कईयों ने खुला पत्र लिखकर ममता बनर्जी से घर वापसी की फरियाद की है। यह तो कईयों ने सार्वजनिक रूप से इसका संकेत दिया है। यह BJP के सीनियर नेता और मेघालय त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने भी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि मेरी आशंका सही साबित हुई है। मुझे लगता है कि TMC से आए अधिकांश लोग वापस चले जाएंगे। मैं जल्द ही दिल्ली जाकर सीनियर लीडरशिप को उन नेताओं की अध्यक्षता की पूरी रिपोर्ट दूंगा जो चुनाव की जिम्मेवारी संभाल रहे थे। जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सोनाली गुहा, फुटबॉलर से पॉलिटिशियन बने दीपेंद्र विश्वास, सरला मुर्मू सहित कई नेता खुलकर ममता बनर्जी से पार्टी में वापसी की फरियाद कर चुके हैं। जी हां, TMC नेताओं का कहना है कि BJP के करीब 8 जीते हुए विधायक और BJP के कुछ सांसद भी TMC में वापस आना चाहते हैं। हाल ही में मुकुल राय के पुत्र शुभ्रांशु राय ने भी ममता बनर्जी की आलोचना करने पर पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पार्टी को जीत का सम्मान करना चाहिए।
दोस्तों बिहार में लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगी है। यह माना जा रहा है कि यही कारण है कि सरकार संक्रमण दर में कमी और स्वस्थ होने वालों की दर की वृद्धि के बावजूद भी लॉकडाउन खत्म करने से बच रही है। यह लॉकडाउन के बाद राज्य में यानी कि बिहार में स्वस्थ होने की दर में वृद्धि देखी जा रही है। यह बिहार में कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार 5 मई को राज्य भर में लॉकडाउन लगाया गया था। 5 मई को राज्य में कोरोना संक्रमितों की स्वस्थ होने की दर 78.38 दर्ज की गई थी, जबकि 2 जून यह दर 97.25% तक रह गई। इस तरह देखें तो लॉकडाउन लगाए जाने के बाद स्वस्थ होने की दर में 18.87% की वृद्धि हुई है। यह बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में 5 मई को 14,836 नए संक्रमितों की पहचान हुई थी। इस दौरान 11,726 लोग कोरोना को मात देकर संक्रमित मुक्त हुए थे। इस दिन राज्य में रिकवरी रेट 78.38% दर्ज किया गया था। दोस्तों मधुबनी जिले के पंडोल प्रखंड के इसहापुर और संकोरथू गांव में खुदाई के दौरान करीब 2000 साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहां ऐसे ईंट और खपरेल के अवशेष मिल रहे हैं जो अपने पीछे एक युग के इतिहास को समेटे हुए हैं। इतिहासकारों का कहना है कि खुदाई में मिले ईंट गुप्तकालीन या फिर उससे कुछ पहले के हो सकते हैं। ये ईंट के साथ मिले खपरेल के टुकड़े 2000 साल पुराने युग से संबंध रखते हैं। दोस्तों इन दिनों पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम जन को परेशान कर रखा है। जी हां, भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। देश के कई हिस्सों में इस समय 1 लीटर पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गई है। जी यही हाल पटना में भी है। जी पटना में भी अभी पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर बिक रहे हैं 1 लीटर में। जी पर दुनिया के कई देशों में पेट्रोल की कीमत अलग अलग है। जी ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि दुनिया में पेट्रोल डीजल सबसे सस्ता कहां पर मिलता है, कौन से देश में मिलता है, क्या कोई ऐसा भी देश है जहां इसकी कीमत भारत से भी ज्यादा है। तो पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो दुनिया में यह सबसे सस्ता वेनेजुएला में है। जी हां, वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.46 रुपए है। जी दूसरे नंबर पर ईरान आता है जहां इसकी कीमत 4.24 रुपए है। जी अंगोला में पेट्रोल 17.88 रुपए है। जी ये 3 देश ऐसे हैं जहां पेट्रोल का रेट पानी की तरह सस्ता है। जी हां, बाजार में अगर आप 1 लीटर पानी खरीदने जाते हैं तो फिर आपको 1 लीटर में 20 रुपए चुकाने पड़ेंगे। जी वेनेजुएला ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। जी आपको बता दूं कि आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में पेट्रोल इतना सस्ता इसीलिए है क्योंकि वेनेजुएला में धरती का सबसे बड़ा तेल भंडार है। जी देश के आर्थिक हालात बिगड़ने के बाद भी यहां की सरकारी ईंधन पर सब्सिडी देती है। जी पेट्रोल के सबसे महंगे रेट की बात करें तो ग्लोबल पेट्रोल डीजल प्राइसेस .com की वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक हांगकांग में पेट्रोल 169.21 रुपए प्रति लीटर है। दोस्तों बॉलीवुड की अभिनेत्री जूही चावला 5G तकनीक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची है। जी जूही चावला के साथ 2 अन्य याचिकाकर्ता वीरेश मलिक और टीना वाचानी ने एक याचिका में अदालत में कहा है कि वे सरकारी एजेंसियों को आदेश दें कि वे जांच करके पता लगाएं कि 5G स्वास्थ्य के लिए कितना सुरक्षित है। जी याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस जांच पर किसी भी निजी कंपनी व्यक्ति का प्रभाव ना हो। करीब 5,000 पन्नों वाली इस याचिका में कई सरकारी एजेंसियां जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कुछ विश्वविद्यालयों और विश्व स्वास्थ्य संगठन को पार्टी बनाया गया है। यह जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वाचानी के वकील दीपक खोखला ने कहा है कि ऐसी तकनीक से गंभीर खतरे हैं। हमारी गुजारिश है कि 5G को उस वक्त तक रोक दिया जाए जब तक सरकार पुष्टि ना कर दे कि इस तकनीक से कोई खतरा नहीं है। यह इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई है। जे इस याचिका पर जूही चावला से बात नहीं हो पाई। वह अभी भारत से बाहर केप टाउन शहर में हैं। दोस्तों वीकेयू लीडर राकेश टिकैत लगातार सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहे हैं। जी ऐसे में एक और ट्वीट करके राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि देश की सत्ता अपने खिलाफ एक शब्द को बर्दाश्त नहीं कर रही है, लेकिन यही सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेगी और MSP पर कानून भी बनाएगी। जी इससे पहले राकेश टिकैत ने एक और पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि महंगाई इतनी बड़ी है, अगर किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दी तो उसको सजा मिलेगी।
जी राजा के खिलाफ बोलना मतलब सजा का हकदार है वो। जी राकेश टिकट आगे कहते हैं कि ये आंदोलन फसल और नस्ल बचाने का है, इसके लिए हम हर लड़ाई लड़ेंगे। राकेश टिकट ने आगे कहा है कि कृषि के तीनों काले कानून फांसी का फंदा साबित होंगे। किसानों के लिए जब तक कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दोस्तों ऑनलाइन माध्यम से चल रही स्कूली बच्चों की पढ़ाई को लेकर छोटी बच्ची के वायरल वीडियो के बाद सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। यह प्री प्राइमरी के बच्चों की कक्षा दिन भर में 30 मिनट से ज्यादा नहीं होगी। यह पहली से आठवीं तक की कक्षाएं 30 से 45 मिनट की अधिकतम दो सत्रों में होगी। ये इसी तरीके से नौवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं के अधिकतम चार सत्र ही होंगी। ये हर सत्र की अवधि 30 से 45 मिनट के बीच होगी। वायरल वीडियो का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुद संज्ञान लिया था। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को गाइडलाइंस जारी की जिसे एलजी ने अपनी ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश में वर्चुअल क्लास में छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। यह वर्चुअल क्लास के दौरान आनंदमयी शिक्षा के साथ दैनिक जीवन के अनुभव के बारे में बताने पर जोर रहेगा। यह बच्चों को कहानी लिखना और सुनना, ड्राइंग, नए शब्दों को सीखना, तस्वीरें पहचानने पढ़ने जैसे रोचक होमवर्क देने को कहा गया है। यह इसके साथ छोटे बच्चों और अभिभावक के साथ ऑनलाइन बैठकर उन्हें तनाव मुक्त जीवन शैली के प्रति जागरूक करने जैसे गतिविधियां आयोजित करने को कहा गया है। दोस्तों बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से गर्माहट ला दी है। जी हां, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हाल के दिनों में अपने बयानों और बैठकों के जरिए सुर्खियों में हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए के घटक दल के नेताओं के साथ अकेले मुलाकात करके नई बहस छेड़ दी है। आखिर मांझी के मन में क्या चल रहा है? जी जीतन राम मांझी की हालिया बयान और लालू प्रेम क्या सिर्फ सामान्य प्रक्रिया है या फिर आने वाले दिनों में बिहार में बड़ी राजनीतिक उलटफेर के संकेत हैं? ये सारे सवाल बिहार की सियासत में रहे हैं। जी जीतन राम मांझी ने मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शादी की सालगिरह के मौके पर दिल छू लेने वाला बधाई संदेश दिया था। जी मांझी ने लालू प्रसाद यादव को शादी की 48वीं सालगिरह पर बधाई देते हुए कहा है कि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहकर जनता की सेवा करते रहें, यही कामना है। जीतन राम मांझी की इस बधाई के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। एनडीए पर सवाल खड़े करने के बाद मांझी ने लालू प्रसाद यादव को शादी की सालगिरह की बधाई दी और फिर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई। ये किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत तो नहीं है? जी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की बैठक बुलाई गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती और पार्टी की राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों उस समय एनडीए के नेताओं को चौंका दिया था जब कोरोना का टीका लेने के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने पर सवाल खड़ा कर दिया था। इसके बाद मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि टीके के प्रमाण पत्र पर अगर तस्वीर होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी तस्वीर होनी चाहिए। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद विपक्ष भी खुलकर मांझी को समर्थन दिया और एनडीए पर सवाल खड़े किए। आरजेडी ने कहा है कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले जीतन राम मांझी के बयान और पिछले दिनों लालू यादव को शादी की सालगिरह की बधाई देने के बाद गर्म हुई सियासत पर आरजेडी ने खुलकर बात रखी है। जी हां, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एनडीए में मांझी को तवज्जो नहीं मिल रहा है। वरिष्ठ नेता होने के बाद भी किसी भी फैसले में उनकी राय नहीं ली जाती है। जी मांझी के आरजेडी में शामिल होने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा है कि राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले हैं और कोई किसी के परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। जी बिहार में गर्माई सियासत के बीच कांग्रेस ने खुला ऑफर देते हुए उन्हें पुराने कांग्रेस याद कराया। जी कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि जीतन राम मांझी आज भले ही एनडीए में हो पर वह पुराने कांग्रेसी है और मंत्री भी थे। जी आज एनडीए में वह असहज हैं, ऐसा लगता है कि मांझी की एनडीए में मोह भंग हो गया है और आने वाले दिनों में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जहां अगर वह कांग्रेस में आते हैं तो फिर उनका दिल से स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने एक बार फिर से एक बयान देकर हलचल तेज कर दी है। यह सपा सांसद एस टी हसन ने इससे पहले भी एक बयान दिया था जिससे विवाद हुआ था। यह सपा सांसद ने कहा है कि 10 दिन में दोनों तूफान का आना और कोरोना महामारी की वजह से हजारों जानों का जाना, ये सब निशानी है पिछले 7 साल में सरकार द्वारा की गई नाइंसाफियों की। यह सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने बीजेपी पर जोरदार तंज कसा है। यह सपा सांसद
ने कहा है कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई। यह दूसरा एक और कानून बना दिया गया है, नागरिकता कानून, जिसके अनुसार सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। सरकार द्वारा किए गए ऐसे कामों से जो नाइंसाफियों हुई है, जिसके चलते ही देश में 2 बार बड़े तूफान आए हैं। यह सपा सांसद का इशारा ताउते और यास तूफान की तरफ था। यह उन्होंने कहा कि आसमानी आफत भी आई हुई है, यह कोरोना के चलते हजारों लोग मर गए हैं। जब नीचे वाले इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर ऊपर वाला इंसाफ तो करता ही है। आपने देखा नहीं, इंसानों की लाशें कुत्ते खा रहे थे और लाशें नदियों में बहा दी गई, शमशानों में लकड़ियां कंपर गई। आखिर कौन सी सरकार है ये? क्या सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही है ये? सपा सांसद यष्टी हसन का मन इतने भर से नहीं भरा। उन्होंने आगे कहा है कि जिस तरह की सरकार और हाकिम है, उन्हें अंदेशा है कि आने वाले समय में और भी आसमानी आफतें आ सकती है। दोस्तों, बिहार में पंचायत स्तर पर अधूरी पड़ी नली गली योजनाओं को पूरा करने के लिए 656 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार सरकार ने इन रुपयों को ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान कर दी है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। यह इस दौरान 18 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मोहर लगी। यह कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार भी कैबिनेट की बैठक ऑनलाइन ही आयोजित की गई थी। दोस्तों, बिहार में पड़ी मानसून बारिश से पहले मौसम का मिजाज बदल गया है। यह राज्य के कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश भी शुरू हो गई है। यह वही मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पहले से अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में मानसून आने में अभी 10 दिनों की देरी है। जानकारी के मुताबिक उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण सहित कई जिलों में भारी बारिश शुरू हो गई है। जहां एक ओर जहां बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर आम और लीची की फसलों को इससे नुकसान होने की संभावना है। इधर राज्य के गोपालगंज जिले में आंधी बारिश को देखते हुए बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आंधी के कारण कई बिजली के खंभे गिर पड़े हैं, जिसकी वजह से बिजली विभाग ने यह फैसला किया है। यह बिहार में पड़ी मानसून बारिश राज्य के राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा सहित कई जिलों में शुरू हो गई है। यह मौसम विभाग की माने तो बिहार में 10 से 12 जून तक मानसून की बारिश होगी। यह वही मानसून केरला के तट से 3 जून को टकराने वाला है। दोस्तों, भारत में कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। वही कोरोना की वैक्सीन की शॉर्टेज भी बनी हुई है। यह दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले और इलाज से जुड़ी दवाओं की कमी पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। जी, हाईकोर्ट ने कहा कि हमें दुख होता है कि हमने कितने युवाओं को इस बार खो दिया। आप ऐसों की जिंदगी बचाने में लगे हैं जो अपनी जी चुके हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप सीनियर सिटीजंस को प्राथमिकता मत दीजिए, लेकिन अगर वैक्सीन की कमी है तो फिर कम से कम प्राथमिकताएं तो तय करें। यह दिल्ली हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जस्टिस विपिन सांगी और जस्टिस जस्मीन सिंह ने वैक्सीन और दवाओं पर केंद्र सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को अस्पष्ट और सरकार को प्राथमिकता तय करने में नाकाम बताया है। कोर्ट ने केंद्र को उसकी मौजूदा नीतियों को लेकर फटकार लगाते हुए कहा कि युवाओं को प्राथमिकता दीजिए, इन्हीं पर भविष्य निर्भर करता है। युवा प्रधानमंत्री को एसपीजी सुरक्षा देते हैं, क्योंकि उनके ऑफिस को इसकी जरूरत होती है। दोस्तों, कोरोना के चलते सीबीएसई के बाद अब सीआईएससीई ने भी बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। यह सीआईएससीई के चेयरमैन ने इस बात की जानकारी दी है। यह बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि अभी रिजल्ट को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह अगले कुछ दिनों में यह तय किया जाएगा कि छात्रों का रिजल्ट कैसे तैयार होगा और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद अब इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आईएससी बोर्ड परीक्षा को भी रद्द किया गया है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा को लेकर यह बताया गया है कि छात्रों को आगे परीक्षा देने का भी विकल्प दिया जाएगा, हालांकि सीआईएससीई ने अब तक यह तय नहीं किया है। दोस्तों, दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती या फिर कृषि सेस में कटौती करने पर विचार कर रही है। जहां हाल ही में सरकार ने दालों का आयात का कोटा भी खत्म किया और व्यापारियों को हर हफ्ते दालों का स्टॉक घोषित करने के लिए कहा है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि दालों की कीमत में कमी हो सकती है। जैसे सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। एग्रीकल्चर सेस भी हटाने पर विचार संभव है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक में फैसला संभव है। यह मसूर, काबुली चना जैसी दालों पर अभी 10% ड्यूटी लगाने की संभावना है।
दोस्तों बड़ी खबर बिहार के बक्सर जिले से है, जहां पर ग्राहकों के बैंक खाते से करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा सामने आया है। जी हां, फर्जीवाड़ा हुआ है। जी हां, जिले के सिमरी प्रखंड के आशा पडरी गांव में स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का मसला है। इस बैंक में ग्राहकों के खातों से करोड़ों रुपए अचानक से गायब हो गए हैं, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस बात की जानकारी ग्राहकों को मिली तो फिर सैकड़ों ग्राहक बैंक पहुंचे तथा हंगामा शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों से बात करने पर पता चला है कि लगभग 2 करोड़ की राशि बैंक के द्वारा ग्राहकों के खाते से गायब कर दी गई है। जो बैंक मैनेजर भी फरार बताया जा रहा है। कई खाताधारकों से बात करने पर पता चला है कि किसी के खाते से 14 लाख तो किसी के खाते से 17 लाख रुपए गायब हो गए हैं। यह वही जब इस मामले पर बैंक कर्मी से पूछा गया तो उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उच्च अधिकारियों को मसले से अवगत कराने की बात कही गई है। दोस्तों बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी 2 छोटे दलों के बूते टिकी हुई है। जिन 2 दल के सहारे नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, उनके नेताओं का मन डोल रहा है। यह दोनों दल के नेताओं ने कई दफे मन डोलने का सबूत खुद ही पेश किया है। बिहार के सबसे बड़े दल राजद के नेता मांझी सहनी की नाराजगी से अंदर ही अंदर खुश है। यह बिहार के राजनीतिक गलियारों में जीतन राम मांझी के एक बार फिर से पलटी मारने के चर्चा के बीच मांझी ने अब सफाई दी है। हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष राम मांझी ने ऐलान किया है कि हम एनडीए में ही हैं और एनडीए में ही रहेंगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आगे ये भी कहा है कि गरीबों के मुद्दे पर हम अनुरोध पूर्वक आवाज उठाते रहेंगे। मामला गर्माते देखकर जीतन राम मांझी के बयान देकर कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की गई। राजद ने कहा है कि नीतीश सरकार में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है। सत्ता की मलाई सिर्फ जेडीयू बीजेपी खा रही है। सरकार में इन दोनों नेताओं की कोई पूछ नहीं है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो वह सिर्फ मांझी और सहनी की वजह से हैं। इसके बाद भी इन छोटे दल के नेताओं की कोई पूछ परख नहीं है। इन दोनों नेताओं से कोई भी राय नहीं ली जाती है। इनके ही बल पर बिहार में सरकार बनी है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि तवज्जो नहीं मिलने से मांझी सहनी कई बार नाराजगी भी दिखा चुके हैं। अब वे क्या फैसला लेंगे ये वही बताएंगे। लालू प्रसाद से मांझी जी का संबंध किसी से छिपी नहीं है। राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब देखना होगा मांझी जी क्या निर्णय लेते हैं। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।